हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि देख सकते हैं, जो कार है मारुति की, मारुति सुजुकी सियाज, इस गाड़ी में जो इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है, ये वाला जिससे गाड़ी स्टार्ट करते, स्टार्ट स्टॉप का जो स्विच है, जब भी हम इसको प्रेस कर रहे तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब कोई भी लाइट शो नहीं कर रही। बट जब ये हॉर्न प्रेस कर रहे तो हॉर्न बज रहा है, तो इससे पता चल रहा है इसकी बैटरी जो है चार्ज है, बट गाड़ी इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि मतलब बहुत सारी गाड़ी ऐसी है जिसका विदाउट इग्निशन ऑन भी हॉर्न जो है बजता डायरेक्ट रहता है। तो इसके अंदर मतलब इसकी बैटरी तो ओके है, अगर कोई गाड़ी ऐसी है और उसके अंदर कुछ भी हॉर्न वगैरह नहीं बज रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको सबसे पहले बैटरी चेक करना चाहिए, बैटरी ओके है कि नहीं। उसके बाद जो है ये बटन का भी इशू आता है, बटन भी बहुत ख़राब होता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक गाड़ी का वीडियो बनाया था, बटन जो है ये ख़राब हो जाता है, हम लोग प्रेस करते करते अंदर घस जाता है ये बटन, बटन का भी इशू आता है। तो पहला स्टेप ये है, बटन अभी बटन चेक करने के बाद इसमें कैसा हो रहा है कि एक लाइट तो आ रही बट फिर भी इग्निशन ऑन नहीं हो रहा। किसी किसी में ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो की लाइट आएगी और ब्रेक पैडल प्रेस करने भूलेगा, अगर ऑटो ट्रांसमिशन वगैरह है, बट फिर भी ऑन नहीं हो रहा इग्निशन। तो इसमें आपको सबसे पहला अगर आपको कुछ चेक करना है तो बाहर की बैटरी और फ्यूज़, उसके बाद जो है आपका रिमोट का सेल, ये आप चेक कर सकते हो। सेंट्रल लॉक वर्क कर रहा है कि नहीं वो देख सकते हो, या ये सेल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सेल लगा हुआ रहता है इसके अंदर, ये यहाँ पे बैक साइड में, या आप जो है इससे आप प्रेस करके देख सकते हो बटन को। और दूसरा ये इसमें BCM जो इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसका कीलेस का जो डब्बा है ये खराब है एक्चुअली। इसको BCM भी बोलते हैं बट BCM नहीं है ये, क्योंकि इसमें बॉडी कंट्रोल से ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड नहीं रहती, बट इसका जो कैटलॉग है उसमें हम लोग जब कैटलॉग में इसको चेक कर दे तो वहाँ पे इसको मॉड्यूल कीलेस ऐसा कुछ दिखाता है, यहाँ पे मतलब शो करता है मॉड्यूल कीलेस, एक्सेस मॉड्यूल कीलेस लिख के आता है इसमें। तो इसमें 2 BCM आते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। और सियाज की जो गाड़ी है, मारुति की जो सियाज है, उसके अंदर 2 BCM मतलब 2 इस टाइप के डब्बे लगे रहते हैं, एक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, कीलेस मॉड्यूल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कभी कभी, जैसे अभी इस गाड़ी का ये डब्बा ख़राब है, बट अगर अपने को पता नहीं है कि इसमें प्रोग्रामिंग किसमें है, स्टार्टिंग से रिलेटेड जो कीलेस का है, रिमोट वगैरह का, तो ये वाला जो डब्बा है ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, मतलब इसके अंदर इसका लाइट वगैरह, AC, पावर विंडो, ये सब जो है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है। और ये जो दूसरा वाला है वो है इसका कीलेस मॉड्यूल, ये यहाँ पे फिटिंग रहता है। एक मिनट टॉर्च चालू करता हूँ मैं, लाइट थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है कीलेस मॉड्यूल है, इसमें इग्निशन का है, सिक्योरिटी सिस्टम है सारा, एक्सेस का इसमें, ये वाले में E0 है, E4, E3, E4 बहुत सारे पार्ट नंबर आते हैं इसके अंदर डिफरेंट। और जो है इसमें कोडिंग रहता है, विदाउट कोडिंग के ये नहीं चलता है, कोडिंग करना पड़ता है इसको। और स्टेयरिंग लॉक में भी कोडिंग आता है, बटन में कोडिंग नहीं आता जो इसका स्विच है। और इधर जो लगा हुआ है स्टेयरिंग के नीचे राइट हैंड में, वो है इसका BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, वो ख़राब होगा तो लाइट भी बंद होता है, मतलब ज़्यादातर इग्निशन का प्रॉब्लम नहीं आता उसके अंदर। तो फाइनली इसका हम लोग ने अभी चेंज कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं आपको बंद करके वापस से गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसका ही फॉल्ट था ज़्यादातर इसमें जो है। अगर इग्निशन ऑन नहीं होता तो आपको ये डब्बा चेक करना चाहिए, इसका ही प्रॉब्लम आता है इसके अंदर मोस्टली। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा था कि अगर इसमें इसका इग्निशन ऑन नहीं होता है तो आपको जो है इसका कीलेस मॉड्यूल चेक करना चाहिए, उसका काफ़ी प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर फॉल्ट उसी का आता है। अगर बाहर फ्यूज़ और रिले ये सब ओके है, बटन वगैरह, तो उसका ही फॉल्ट रहता है।